हेलो दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने बीजीय व्यंजकों के गुणन खंडन का अर्थ समझा। इस वीडियो में हम बीजीय व्यंजकों के गुणन खंडन की विधि सार्व गुणन खंड और पुनः समूहन के बारे में सीखेंगे। याद कीजिए, आपने पिछली कक्षा में सार्व गुणन खंड कॉमन फैक्टर के बारे में पढ़ा था। क्या आप 24x तथा 48y के सार्व गुणनखंड बता सकते हैं? 24x और 48y के गुणनखंड हम इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि दोनों पदों के गुणनखंड में 24 उभयनिष्ठ यानी कॉमन है, जिसे हम इन दोनों का सार्व गुणनखंड कहेंगे। अतः बीजीय व्यंजकों के पदों के गुणनखंडों में से वह गुणनखंड जो सभी पदों में उभयनिष्ठ या कॉमन हो, उसे सार्व गुणनखंड कहते हैं। इसका उपयोग बीजीय व्यंजक के गुणन खंडन करने में किया जाता है। जैसे अब आप इस बीजीय व्यंजक को देखिए, आपको इसमें कौन कौन से पद दिखाई दे रहे हैं? क्या आप इन पदों के गुणन खंड ज्ञात कर सकते हैं? इस बीजीय व्यंजक में दो पद हैं। हम दोनों पदों को उसके गुणन खंडों के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। अब क्या आप इन गुणनखंडों में सार्व गुणनखंड ढूंढ सकते हैं? हम देख सकते हैं कि दोनों पदों में 3xy उभयनिष्ठ है। अतः पदों 6x की घात 2y और 3xy की घात 2 का सार्व गुणनखंड 3xy है। अब हम इस बीजीय व्यंजक को इसके पदों के गुणनखंड के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। हम देखते हैं कि 3xy सार्व गुणनखंड है, तो अब वितरकता नियम का इस्तेमाल करते हुए हम इसे 3xy गुना 2x जमा y लिख सकते हैं। अतः 3xy गुना 2x जमा y दिए गए बीजीय व्यंजक के गुणनखंड है ना आसान? परंतु हम ये देखते हैं कि बीजीय व्यंजक के सारे पदों का एक सार्व गुणनखंड संभव नहीं होता। जैसे इस बीजीय व्यंजक को देखिए, 15mn जमा 15 जमा 9n जमा 25m, इसके सभी पदों के बीच में कोई सार्व गुणनखंड नहीं है। ऐसे बहुपदों के गुणनखंडन के लिए हम पुनः समूहन विधि का उपयोग करेंगे। इस विधि में बीजीय व्यंजकों को पुनर्व्यवस्थित कर उनका समूह बनाकर गुणनखंडन किया जाता है। सबसे पहले इसके सारे पदों का गुणनखंडन करेंगे। हमें इन चारों पदों में कोई सार्व गुणनखंड नहीं मिला, पर हम देख सकते हैं कि पहले पद 15mn और चौथे पद 25m में 5m उभयनिष्ठ है। साथ ही साथ तीसरे पद 9n और दूसरे पद 15 में 3 उभयनिष्ठ है। अतः हम इन पदों को इस प्रकार पुनर्व्यवस्थित करके गुणनखंडों के रूप में इस प्रकार लिखते हैं। अब आप देख सकते हैं कि 3n जमा 5 उभयनिष्ठ है, इसलिए इसे हम इस रूप में लिखते हैं। अतः बीजीय व्यंजक 15mn जमा 25m जमा 9n जमा 15 के गुणनखंड 3n जमा 5 और 5m जमा 3 है। इस प्रकार हमने पुनः समूहन विधि के द्वारा गुणन खंडन करना सीखा। तो दोस्तों, इस सत्र में हमने बीजीय व्यंजकों के गुणन खंडन की विधियों सार्व गुणन खंड विधि तथा पुनः समूहन विधि के बारे में सीखा। अगली वीडियो में हम इनसे जुड़े उदाहरण देखेंगे। धन्यवाद।